नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ए टू जेड एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। कोई भी वीडियो बनाने के लिए एक जरूरी होता है ट्राइपॉड, एक फोन और एक डीएसएलआर वीडियो बनाने के लिए। जब डीएसएलआर जब कभी भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते बनाते दिमाग में कुछ ना कुछ तो ख्याली पलाव चलते ही रहते। तो मैंने सोचा कि अगर डीएसएलआर का जो ये लेंस है, डीएसएलआर का लेंस उसी प्रकार वर्क करता है जैसे कि हमारे शरीर में हमारी आंख वर्क करती है। ये जो है ये है इसकी बॉडी, और ये जो आगे है वो है इसका लेंस। अगर डीएसएलआर से ये जो लेंस है वो हटा दे, ये उसी प्रकार है जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जो आंख है। आप सोचोगे आपकी और हमारी आंखों, दोनों आंखों को हटा दे, फोड़ दे, फाड़ दे, कुछ भी कर दे, अलग कर दे, तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, आई डोंट नो। अब चलते हैं, इस लेंस को अलग करते हैं, फिर देखते हैं कि अभी तो सब कुछ प्रॉपरली दिखाई दे रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हो इसके अंदर प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। अगर इस लेंस को हटा दे, इस कैमरे की आंख को हटा दे, फिर कैसा रिएक्शन होगा। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार दिखाई देता है कैमरे की आंख हटाने के बाद। ये जो कैमरा है इसका वीडियो क्वालिटी, जो वीडियो फंक्शन है वो मैं ऑन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अभी किस प्रकार क्वालिटी दे रहा है ये। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि अभी ये इस प्रकार क्वालिटी दे रहा है। अभी क्या है, रात है, इसलिए कुछ इस प्रकार की जो क्लिप है वो आ रही है। रात मतलब लाइट है, इसलिए क्लिप आ रही है। अब इसकी जो आंख है इसे मैं साइड में ही रख देता हूँ, फिर देखते हैं कैसी क्लिप आती है। इस लेंस को खोलने के लिए यह जो बटन है उसे प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करने के बाद इसे हल्का सा यूं घुमाना पड़ता है, फिर ये ऐसे अलग हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप देख सकते हो जो इसकी बॉडी है वो बस इतनी सी है, जो इसका दिमाग है, इसका शरीर है वो बस इतनी सी है। अब मैं अभी ये जो कैमरा है, अभी जो बॉडी है वो बंद है, ये सोनी का कैमरा अभी ये बंद है। अब मैं इसे ऑन करता हूं, फिर देखते हैं किस प्रकार क्लिप आती है बिना आंख के। ठीक है, अभी ऑन है, और आप देख सकते हो कि अभी वीडियो भी ऑन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इसमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है। अगर हम लड्डू के सामने करें, बल्ब के सामने करें, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम कलर को महसूस कर सकते हैं और कुछ खास महसूस नहीं कर सकते हैं। और अब चलते हैं वीडियो में, इस लेंस को हटाते हैं, फिर देखते हैं कि वीडियो क्लिप ऑन है। और आप देख सकते हो ये फोन है जिससे अभी रिकॉर्ड हो रहा है। और अब मैं चालू वीडियो में इस लेंस को बाहर निकालता हूँ। अब क्लिप दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब, आप देख सकते हो कि ये जो फ्लैश लाइट है कितनी बड़ी हो चुकी है। अगर इसको सामने से हटा दें तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। क्या बात है, कहाँ गया ये रहा। आप महसूस कर सकते हो कि फ्लैश बड़ी होती जा रही है, और अगर लेंस को अच्छे से लगा दे तो ये फिर से फोन दिखाई दे रहा है। और ये बल्ब है, लाइटिंग है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर ये रहा। ऐसा वीडियो कहीं देखा ही होगा, और हमें लगा कि हम इस वीडियो को हम अपने अंदाज से शो करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगी है, कुछ भी लगी है, तो कमेंट बता दे। और हम मिलते हैं ऐसे किसी आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।